मोदी जी वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, गलत कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जो काम करा उन्हें सब अच्छा करा, और जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। मोदी बहुत अच्छे हैं, हम भगवान हम तो मानते हैं, अपने दिल से कहते हैं भगवान मानते हैं मोदी को। जो चल रहा है वही चाहते हैं। क्या सब चीज़ जो चल रही है सब सही कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं हर चीज़ के लिए कर रहे हैं, लड़कियों के लिए कर रहे हैं और जो भी लोग हैं उन सब के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम तो सिखाएंगे कि यही बनी रहे, क्योंकि इसमें लड़कियाँ बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं। मोदी का ऐसा ही चले तो ही सही है। क्या नाम है आपका? नूरजहां। अच्छा नूरजहां जी, वोट डाल दिया जी? निशान दिखा दीजिए। अच्छा ये बताइए कि क्या मुद्दे थे इस बार, क्या ध्यान में रखते हुए वोट डाला है, ईवीएम पर बटन दबाया? हम समझ में नहीं आया क्यों वोट किया आपने, अच्छे बताइए। चलो क्यों वोट किया आपने? वोट जो अपनी सुरक्षा के लिए किया, हमें सुरक्षा अच्छी मिल रही है। अच्छा। आई समझ में? हम जो कर रहे हैं वो मोदी जी वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, गलत कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जो काम करा उन्हें सब अच्छा करा, और जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, राशन वाशन मिल रहा है? सब मिल रहा है। हाँ, तो सुरक्षा है आपकी या नहीं है? जी हाँ है। अच्छा। हाँ बहुत अच्छी चल रही है, सुरक्षा सब अच्छी है। हम तो मोदी का ये राशन दिया हुआ खाते हैं। हाँ, समाजवादियों का गढ़ है। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है। अब रोजगारी है, जब बाहर से जब सब लोग आते हैं तो रोजगारी, जब सब जनता जब बढ़ेगी तो रोजगारी बढ़ेगी? नहीं। हाँ। वो तो बढ़ेगी भाई। हाँ। हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आप जहाँ से आई हैं क्या माहौल है वहाँ पे, कौन किसका वर्चस्व दिख रहा है अभी, मतलब वोट किन मुद्दों को लेकर हो रहा है? अब हम इतने तो नहीं बता पाएंगे क्या, हम तो वोट डाला अपना चले आए भाई, हम तो अपना डाले आए। लेकिन मोदी ने आपको प्रभावित किया है? हाँ जी हाँ। तो क्या आशीर्वाद दे रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए, कुछ और महिलाएं जो हैं यहाँ पर रुकी हैं, निशान दिखा दीजिए अपना। आंटी, अच्छा वोट डाल दिया? जी जी जी। कैसा लगा वोट डाल के? अरे वोट डाल के तो अच्छा लगा, बुढ़ी हो गई, वोट डालते डालते और यहाँ अच्छा लगा। अच्छा बुढ़ी हो गई, आपने कहा वोट डालते डालते, तो राजनीतिक अनुभव खूब रहा होगा। सरकारें आई गई तो क्या मुद्दे थे ध्यान में, क्या ध्यान में रहा जब वोट डाला? वोट तो डाला, पहली बात तो ये मतदान मेरा अधिकार है, वो मत इसलिए मैंने डाला। दूसरी बात ये है कि अब मैं क्या ज़्यादा कहूँ, मतलब जिसका जहाँ मन है, किसके ऊपर टीका टिप्पणी करूँ, मेरा मुझे करना नहीं है, ना मोदी को ना अखिलेश को, और जो कर रहा है वो कर रहा है, और सरकार आएगी। वैसे मेरा मानना है कि सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि बहुत हद हो चुकी है हर चीज़ की, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी। अब आप बदला मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखो मेरी बहू पूर्वांचल में है टीचर, और वो 8 जिले ऐसे हैं वहाँ इसने योगी ने फाउंडेशन लगा दिया है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी बहू अकेली रहती है बच्चों को लेकर के, मुझे अपने अंदर बहुत कष्ट है। यानी अपनी समस्याएं आपकी हैं? मेरी बहुत सारी समस्याएं, मेरे बच्चे सारे रह गए। हाँ बिल्कुल, मैं सबसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी। वोट डाल दिया अम्मा? मोदी ने बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक बार निशान तो दिखा दो, वोट डाल दिया आपने? नहीं, वोट हमें अभी डाला है, मेहंदी कर ली इसलिए। अच्छा, अभी डालने जाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा, भगवान है हमारे सबके लिए, भगवान है, मोदी ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा। इतना किसी ने नहीं किया कभी भी। ऐसा क्यों? ऐसा कभी किया ही नहीं सबने जितना मोदी ने किया है, देश को अच्छा कर दिया, पैसा वाला बना देंगे, और देखो कितनी हो रही है, बहुत अच्छा किया है मोदी ने। हाँ, मोदी से ऐसे ही भगवान हमेशा होते रहे, हम तो क्या जीवन भर ये ही रहे। मोदी को तो आशीर्वाद दे रही है इन चुनाव में, अखिलेश राहुल गांधी को आशीर्वाद? कबू नादी में तो बेकार थे, गुंडागर्दी थी, बहुत बेकार थे पे लोग। हाँ, तो गुंडागर्दी झेली आपने भी की सुरक्षा ने? तो हम लोग बहुत झेल चुके, मुलायम सिंह की सरकार में हम लोगों ने बहुत झेली, हमारे भाई की डकैती डलवा ली थी, बहुत ज़्यादा सब कुछ किया हमारे, हम लोग बहुत परेशान रहे मुलायम की सरकार में, बहुत ज़्यादा दुखी रहे। अभी सही है? अब सही है, हम कोई चिंता नहीं, अकेले चले जाते अकेले आ जाते हैं। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है, मोदी बहुत अच्छे हैं, हम भगवान हम तो मानते हैं, अपने दिल से कहते हैं भगवान मानते हैं मोदी को। हाँ, तो मोदी को पूरा आशीर्वाद आप? हम बहुत हम के हमेशा रहे, हम जाइए हम आशीर्वाद दे, हमेशा वही प्रधानमंत्री बह रहे हैं। हाँ हमेशा। हाँ, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो राशन वगैरह सब मिल रहा है? सब मिलता है हमें। हाँ, तो यहाँ तो ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रही है, ये तो आप कह रही हैं? उन्हें कि चाहे कर्म भूमि रही हो, कुछ भी रहती हो, मगर जो मुलायम सिंह रहे, अखिलेश सब बेकार है। अच्छा, हम तो मोपल कहने अखिलेश गई। अच्छा
अच्छा मोदी के भाषण सुने आपने, इतना अच्छा लग रही है। तो सब दिन देखा था, हम अपनी बुआ घर आए हैं, हमारे घर यहाँ नहीं है। अच्छा। हम बुआ जी घर आए हैं। अच्छा, तो भाषण सुनते हैं। हाँ, भाषण सुनते हैं, हम समाचार सुनते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके। अच्छा। हाँ, तो भगवान से दुआ करते हैं कि मोदी ही जीते। मोदी जीते। हाँ, मोदी से मिलना चाहती है? हाँ, हम मोदी कहाँ मिलनी है भाई, हमें कहाँ धरे हैं, हमें कहाँ धरे भाई, हम बहुत अच्छे हैं। इतना इतना आशीर्वाद दे रही हैं तो ख्वाहिश होगी कि मिल लेते हैं एक बार, मिलने का मौका मिल जाए तो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इतनी किस्मत कहाँ है मेरी भैया, हम कहाँ भगवान ही हैं बेत, हम तो कहाँ। इतना अच्छा कोई भी नहीं, कितनी पूजा करते हैं अयोध्या, हम देखा था हम टीवी में। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया। हाँ, बहुत है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तुम देख, ये टीवी में देखा रहा था, हम अपने गांव चिंडौली के, हम जमुना किनारे मेरे गांव है, हमें लोगों ने कौन का लोनी नहीं दई है। हाँ, तुम कहा मोदी दिए हमें, तो माऊ माऊ मकान बन जाइए तो हमू जकात दे, हमें मोदी खाली कॉलोनी दे दें वैसा। हम तो बहुत सुखी हैं, मोदी हमें ना दें तब भी सुखी है, और मिलेगी तो हम आस करें तो मुझे जरूर देंगे। तो मोदी सबकी सुनते हैं, सबको हमारी मोदी सुन ली है, सिर्फ मेरा मकान बन जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे गांव में, हमारे लखनऊ में रहते हैं हम। हेलो मैम, क्या नाम है? शशि चतुर्वेदी। अच्छा, एक बार निशान दिखा दीजिए अपना, वोट डाल। आपने वोट डाला? अच्छा, अभी नहीं। अच्छे, बताइए क्या ध्यान में रखकर वोटिंग किया इस बार, क्या मुद्दे रहे? सुरक्षा। सुरक्षा हो रही है या बेहतर होनी चाहिए? पहले थी, नहीं थी, अब हो रही है बेहतर। हाँ जी। अच्छा, तो आप खुश हैं कि सब बढ़िया चल? बिल्कुल खुश है। तो इसे ही तो वो समारा है सबसे, मतलब हैं उसी में। लेकिन ये बताइए कि मतलब इसी सरकार को कंटिन्यू रखना चाहती हैं या बदलाव चाहती? नहीं, हम तो सिखाएंगे कि यही बनी रहे, क्योंकि इसमें लड़कियाँ बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं। पहले नहीं था, डर लगा रहता था, जैसे कॉलेज भी गई है, कोचिंग भी गई है बच्ची, तो डर रहता था, लौट नहीं आती तब तक। अब नहीं है, अब जाती है आती है, कोई टेंशन नहीं हमको। तो बहुत खुश हैं आप? बहुत बहुत बहुत, बहुत खुश हैं। हमारी तो इसका आया ही नहीं, वो खुद ही खुश थी। अच्छा, हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि बहुत हो गई, बन नहीं पाया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सब बढ़िया चल रहा है इटावा में? क्या इटावा मुद्दे हैं इटावा के, इटावा में कुछ बदलाव होना चाहिए आप लगता है? अब वो बदलाव होगा, हो रहा है, हुआ है। अच्छा, ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ, भले ही वोट नहीं डाला है, लेकिन क्या समझते हैं देश को लेकर, क्या सोच है आपकी? मतलब ठीक है, सब चीज़ जो चल रही है सब सही कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं हर चीज़ के लिए कर रहे हैं, लड़कियों के लिए कर रहे हैं और जो भी लोग हैं उन सब के लिए कर रहे हैं, और मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, हर चीज़ मतलब सही चल रही है। अच्छा, सेफ़ फील करती हैं पहले के मुकाबले? अभी आप कॉलेज जाती होंगी, स्कूल जाती? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करती हूँ। पहले के लोग क्या होता था, कुछ भी हो रहा था, हाल किसी की कुछ हो सकता, मतलब कोई भी लड़की बाहर निकली तो किसी की चैन चली गई, किसी को कुछ हो गया। अब बहुत कम है ये चीज़ें केसेस। अब तो मन था मम्मी के साथ अंदर गई थी कि हाँ, काश वोट होता, काश मेरे पास वोट होता तो मैं ज़रूर डालती, बल्कि अप्लाई भी किया था बट नहीं आया पाएंगे। नेक्स्ट टाइम, ठीक है। कुछ बुजुर्ग हैं, आप देख लीजिए कि बुजुर्ग भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अपने आप में लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इतनी उम्र में भी। भैया एक मिनट, अम्मा क्या नाम है? शकुंतला भदौरिया। अच्छा भदौरिया जी, क्या कितनी उम्र है आपकी? 83 करीब। 83, तो वोट डालने के लिए आई हैं? हाँ, अच्छा, बताइए कि निशान दिखा दीजिए एक बार अपना। अच्छा, तो क्या सोच कर वोट डाला इस बार, क्या ध्यान में रखकर वोट डाला इस बार? हाँ, सोच के डाला। सोच के डाला है। हाँ। अच्छा, बदलाव चाहती हैं या जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है? जो चल रहा है, जो चल रहा है वही, जो चल रहा है वही चाहते हैं। हाँ, तो अच्छा चल रहा है सब या कुछ जरूरत है? नहीं, अब हमें तो अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? चलो बढ़िया है कि आप इतनी उम्र में भी इस तरीके से जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना जो है योगदान दे रही हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा है। कुछ महिलाएं भी हैं मेरे साथ और वोट डालकर आई हैं, महिलाओं के भी अपने मुद्दे हैं। अम्मा वोट डाल दिया? एक बार आप सब अपना निशान दिखा दीजिए। अच्छा, डाल गया। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुद्दे थे इस बार, कि क्या सोच कर ईवीएम का बटन दबाया? दो मिनट, क्या सोच कर दबाई? क्यों वोट डाला आपने? क्यों? सुरक्षा के लिए, अपने के लिए डाल। सुरक्षा हो रही है या बढ़िया होनी चाहिए? हो रही है और बढ़िया होना ही चाहिए। अच्छा, हाँ। अच्छा, और सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? मिल रही हैं। अच्छा, तो बदलाव चाहती हैं या जो चल रहा है उसे कंटिन्यू चाहती हैं? ऐसे ही चले तो ही सही है। तो अम्मा से बात कर लेते हैं, बड़ी बुजुर्ग। क्या नाम है आपका? रामवती। रामवती, कितनी उम्र है अम्मा?
अब हमें उम्र तो नहीं बता सका, 80-90 से हो गई। हाँ ये तो आपको देख के भी लग रहा है। हाँ हाँ, इतनी उम्र में आप वोट डालने के लिए आ रही हैं, लोकतंत्र की एक अलग ही खूबसूरती जो है इस तस्वीर में नज़र आती है। वोट इतने दिनों से डाल रही, इतने सालों से डाल रही हैं, अब एक बार फिर डाला है, तो क्या ध्यान में रख के वोट किया है इस बार, क्या चीज़ मन में थी? तुम बताओ ना किन की वजह से वोट डाला? हाँ, क्यों वोट डाला, क्या सोच के वोट डाला? मोदी का। मोदी क्यों, मोदी को वोट डाला? हम जो इतो नहीं जाना बेटे, हम उनके डर ही आए। बताओ अच्छा कर रहे हैं मोदी या नहीं? अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है, सब चल रहा है। अच्छा, जब आप बोल ही रही हैं मोदी को वोट डाला, तो ये भी बता दीजिए कि राम मंदिर कैसा लगा? अच्छा, राम मंदिर कैसा लगा? राम मंदिर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, राम मंदिर तो बहुत अच्छा। तो मोदी जी ने वो मुमकिन कर दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया? मोदी ने करके दिखाया। तो बुजुर्गों का ख्याल रख रहे हैं मोदी जी? बुजुर्गों का ख्याल रख रहे हैं मोदी जी? जरूर। अच्छा, जरूर रखे। अच्छा, तो क्या आशीर्वाद देंगी मोदी जी को, क्या आशीर्वाद देंगी? हम तो आशीर्वाद यही दें कि भगवान खूब तुम्हारी उन्नत हो, खूब अच्छे से बनो। अब जो ये तो बेटा बूढ़े आदमी थे पे, और तो कछु जाना नहीं है। ठीक है, चलिए आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देते हुए, ठीक है, धन्यवाद। तो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर वो डालने के लिए आ रही हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम 2 मिनट लूँगी। क्या नाम है आपका? अनीता दुबे। अनीता जी वोट डाल दिया? निशान जी दिखा दीजिए एक बार। छूट भी गया? छूट भी गया, हाँ ये है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, क्या मुद्दे थे इस बार जो ध्यान में रख के मतदान किया आपने? EVM का बटन दबाया? किसका बटन दबाया? EVM का क्यों बटन दबाया? क्या किस किसको ध्यान में रखते हुए वोट दिया है कि ये अच्छा होना चाहिए या अच्छा हो रहा है, क्या वजह थी? क्या बताऊं? अच्छा ये बता दीजिए कि, ये बताइए कि सुरक्षा मिल रही है या नहीं? अच्छा मिल रही है, बस इसी के लिए किया है। इसी के लिए किया। बस सब बढ़िया चल रहा है या बेहतर होना चाहिए और क्या है? अच्छा, बस तो सुरक्षा सही है अभी तो? सही है जी। तो जो है आप चाहती है कि उसमें बदलाव होना चाहिए जो सरकार चल रही है, या यही चलती रहेगी? यही चलती रहेगी जी। चलिए बढ़िया है, चलो ठीक है, धन्यवाद। कुछ और हो गए? मैम 1 मिनट लूँगी, 1 मिनट। अच्छा, यंग है तो मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि EVM का बटन दबाया है, क्या मुद्दे? प्लीज़ जाने दीजिए, लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो तमाम लोग हैं जो जाहिर तौर पर बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इटावा का ये पोलिंग बूथ जिस पर हम कवर कर रहे हैं, क्या मुद्दे इटावा के हैं, क्या बदलाव वो चाहते हैं, या फिर तमाम जो कहीं ना कहीं सरकार चल रही है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आंटी से बात कर लेते हैं। हाँ जी आंटी, वोट डाल दिया? हाँ इटा डाल दिया, क्यों? मैं लेडीज़ से इसलिए भी बात कर रही हूँ और बुज़ुर्ग से इसलिए भी बात कर रही हूँ, अनुभव बहुत ज़्यादा है ना वोट डालने का, और राजनीतिक अनुभव भी खूब है। तो क्या ध्यान में रखते हुए इस बार EVM का बटन? देखो बेटा, अब तो घर में रहती है, बुज़ुर्ग हो गए तब होते चलते हैं, सही है अपनी जो सही है सब कुछ जो है। अच्छा, मतलब सही चल रहा है? सही। अच्छा, अब ये विकास हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और विकास वैसे तो सब अच्छा। तो तुम भी बोल दो दोस्त। हाँ क्या बोलोगे बताइए? पता नहीं। अच्छा, अम्मा के साथ आए तो ये नहीं लगा कि मेरा नंबर कब आएगा वोट डालने का? पता नहीं, कह रहा था मैं वोट डाल दूं क्या? अच्छा वोट, अच्छा ये बताइए कि वोट डालने की इच्छा थी, अंदर गए थे? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए, ये बताइए कि पॉलिटिशियन कौन पसंद है, किसको पसंद करते हैं? ये पॉलिटिशियन क्या होता है? नेता। पता नहीं। मोदी जी को नहीं देखा? नहीं नहीं देखा, टीवी में देखा 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 टीवी में देखा है। कैसे लगते हैं? बूढ़े लगते हैं बस, नहीं तमाम वोटर्स आ रहे हैं। मैम वोट डाल दिया? अच्छा, एक बार निशान दिखा दीजिए आप। तो देख लीजिए कि जो महिलाएं हैं वो भी वोट डालकर आ रही हैं। मैम जब वोट डाला तो क्या मुद्दे ध्यान में थे, क्या बताएं? अच्छा, किन मुद्दों पर क्या सोच के वोट डाला ये बता दीजिए। कुछ तो ध्यान में होगा ना कि मतलब सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा बेहतर है, या विकास होना चाहिए या नहीं हुआ है, कुछ कुछ ध्यान में होगा। आप तो महिलाएं, ये बता दीजिए कि सुरक्षा हुई है या नहीं हुई है, चाहते हैं कि जो है बढ़े बढ़े क्या? महंगाई ज़्यादा हो रही है हर चीज़ पे, सब कुछ तो। अच्छा,
परेशान हैं ये सब, परेशान है और क्या। अच्छा, तो परेशानी कैसे दूर होगी? अब दूर हो, आप ही लोग समझा। अच्छा चलिए, तो कुछ बोलने के लिए कुछ जो लोग हैं तैयार नहीं हैं, तमाम लोगों से जो है बातचीत करने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं, और जो वोट डालकर बाहर आ रहे हैं कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बातचीत करने की। यहाँ पर जाहिर तौर पर सुबह का वक्त है, तो तमाम लोग जो हैं घर से बाहर निकल रहे हैं, मौसम भी अच्छा है। तो मैम वोट डाल दिया? हाँ। एक बार निशान दिखा दीजिए। अच्छा बताइए कि क्या ध्यान में रखकर वोट डाला है, क्या मुद्दे रहे इस बार? अब ये हम तो नहीं बता सकते अभी। अच्छा। मुद्दे तो बता दीजिए कि क्यों वोट डाला है। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तो तमाम लोग, अम्मा वोट डाल दिया है? अच्छा, निशान दिखा दीजिए। अच्छा, इतने दिन इतने साल से वोट डाल रही हैं, क्या सोच के इस बार वोट डाला? हमारे गांव संसद खड़े हो तो डाल दे। अच्छा। कौन दुआरी है? नरेंद्र दुआरी। कौन सी दुआरी? नरेंद्र दुआरी। कौन सी दुआरी? सनवर शाह जी खड़े भाई, उन्हीं वोट डाल के आए। अच्छा। हमारे गांव के। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो ये बताइए कि सुरक्षा, बुजुर्ग पेंशन वेंशन मिल रही है? नहीं होती पेंशन, नहीं हमें नहीं मिल रही। अच्छा। नहीं मिल, बंदी नहीं हमारी। अच्छा। कोई बंदवा बनवा दिया हमारी। अच्छा। सो हमारा कोई काम नहीं हो रहा, वोट बराबर डाल रहे हैं हम। अच्छा, वोट डाल रहे हैं काम। हाँ, वो काम हो ही नहीं रहा। अच्छा, अरे भाई पेंशन ही बन जा, विधवा बन जाए, बुढ़ापे बन जाता हूँ, तो मैं तसल्ली आए पाएंगे सही डाट तो पाने हम फालतू में। अच्छा। 80 साल के होने आए, बूट डाट डाट कछू न कछू। अच्छा। हमारी पेंशन बनवा हमारी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।